मैं इसको किस तरह देखता हूँ, मैं इसको बेसिकली देखता हूँ ये इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है, वो दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहां पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको दिखाया। ये जो ये जिस जगह वो घुसे हैं 25 लोग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पकड़े थे, जगह का नाम था काउंटर टेररिज्म सेंटर। अब काउंटर टेररिज्म मेरा मतलब अगर वहां पे ही हालात हो जाए तो आपकी काउंटर टेररिज्म की तैयारी के बारे में दुआएं ठहरी हो सकती। इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना। एक तो इंटरनेशनल मीडिया यहां तक कह रहा है कि 4 पुलिस वाले जो है वो कत्ल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। मगर है कि शायद दुश्मन के हाथ में आपके असासे न्यूक्लियर असासे चले जाएं, विच इज अनएक्सेप्टेबल। ये जमहूरियत बेसिकली पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा ढोंग है। लेकिन दीपिका पादुकोण को पिक करना, किसी पाकिस्तानी खातून को पिक, कितना सीरियस है भाई ये थ्रेट। पाकिस्तान जो है दुनिया में क्यों टीटीपी की वजह से जाना जाता है या अफगान तालिबान की वजह से जाता है, मेरे दिल को इस चीज की तकलीफ है। तो उधर तो वो पीओके कह रहे हैं, वो पीओके कहते हैं हमारा, तो इधर से जान छुड़ाओगे भागोगे तो उधर से वो मारेंगे फिर। लेकिन वाई कतर थॉट दैट दे शुड ब्रिंग दीपिका पादुकोण इन कतर एंड आस्क हर टू रिवील द फुटबॉल ट्रॉफी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मैं देखता हूँ, मैं इसको बेसिकली देखता हूँ ये इंडिया की सॉफ्ट पावर और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करना। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन व्हाई कतर थॉट दैट दे शुड ब्रिंग दीपिका पादुकोण इन कतर एंड आस्क हर टू रिवील द फुटबॉल ट्रॉफी। और क्यों कोई जो है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं और से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इतने जो लोग थे वहां से क्यों नहीं किया, ये एक दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है जिसको मेरा ख्याल है समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ट्रेवल करें कभी किसी में कतर एयरलाइंस पे या अमराती पे या जिसपे बाकी जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस उन पे ट्रेवल करें खासतौर पे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो वहां पे एंटरटेनमेंट का जो स्टाफ होता है उसमें ज्यादातर इंडियन चीजें होती हैं, इंडियन फिल्में, ड्रामे, कपिल शर्मा शो एंड ऑल दैट। रिसेंटली मैं भी यूएस ट्रेवल कर रहा था तो मैं भी कपिल शर्मा शो सारा टाइम देखता आया, मतलब इट वॉज ऑल फन बिकॉज हमारा कल्चर हिस्ट्री चीजें बहुत सारी सेम है, सारी बात है इंडिया के साथ, और मुझे वो देख के ज्यादा मजा आ रहा था एज कम्पेयर टू कोई मैं इंग्लिश मूवी हॉलीवुड की देखूं, मुझे नहीं वो मजा आ रहा था। दीपिका पादुकोण को कतर की अथॉरिटीज ने वहां पे बुलाया, फीफा ने बेसिकली बुलाया, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कतर, ये नहीं है कि वो नहीं, वो उसको बुला के क्या पैगाम दिया गया। पहली बात है कतर ने अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है और दुनिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी वाइज पहचाना है। ये वो जो लोग हमारे जिसे कहते हैं ना कि हमारे कारसाज जो हमारे मैकेनिक हैं पाकिस्तान के, जो समझते हैं कि वो हमें हमारे अंदर नेशनलिज्म डालते हैं, हमारे हमें एक अच्छी कौम बनाते हैं, और वो समझते हैं कि वो बहुत सियाने हैं तो बाकी जो जड़ी बाकी आवाम जड़ी है वो पागल है और बेवकूफ है, ये उनको पता होना चाहिए किस तरह हमने अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज, हमने सब कुछ तबाह कर लिया। आज इंडिया जो है वो दुनिया में दीपिका पादुकोण को और हॉलीवुड स्टार खान, सलमान खान, मतलब